सूरज 855 गोल्डन कलर में लेंगे और टायर 18 नंबर ये सामने रखा हुआ है, ये लेके जाएंगे आप सभी की पसंद। और इसमें मॉन्स्टर टायर लगवाएंगे और इसमें भी मॉडिफिकेशन करवाएंगे। उस ट्रैक्टर को आज अपन बुकिंग करते हैं तो प्रोसेस 90% यही है कि मैं आपको कल ट्रैक्टर दे दूं। सूरज 855 सुल्तान के बाद क्या नाम रखा जाए? बुलडोजर। कर दो इसका पूरा कोटेशन बना दो आप। ठीक है सीताराम भाई सारानी, क्या हालचाल आप सभी के? आई होप आप सब ठीक होंगे। और अब जा रहा हूँ मैं शोरूम पर। कल रात को 9:30-10 बजे घर पर आए थे हम, क्योंकि कल करवा रहे थे अपने ट्रैक्टर मॉडिफिकेशन। कल वेट लगवाया हमने आगे, आरोपी ये सभी लगा नहीं, आज लगवाएंगे जाके, क्योंकि कल रात हो गई थी, हमें मैकेनिक आने में उसको टाइम लग गया था। आरोपी इस लगवाने में थोड़ा नाटक कर रहा है शोरूम वाला, तो चल के देखते हैं क्या करता है क्या नहीं करता है, किसे लगाता है। मैकेनिक नहीं उसके पास जो लगाने वाला फिटिंग करने वाला, और साथ में हमारा म्यूजिक सिस्टम भी आ गया आरोपी, इसमें म्यूजिक सिस्टम भी फिट करवाएंगे। और सभी लड़के लोग वेट कर रहे हैं, और आप सभी की पसंद सूरज 855 भी लेने जा रहे हैं आज शोरूम पर हम देखेंगे। और न्यू ओलैंड 3630 ये भी देखने जाएंगे, दोनों ट्रैक्टर देखेंगे। और एक और दिलों की धड़कन HMT ट्रैक्टर, मेरा फेवरेट HMT, और उसे लेने जाएंगे। पुराना मॉडल लेंगे, उसे मॉडिफिकेशन करवाएंगे अपन। अभी चलते हैं सीधा अपन शोरूम पे, सभी लड़के लोग आ गए। इधर बहादुर घोड़ा रखा हुआ है, इसमें मॉडिफिकेशन होगा। और यहाँ पे सिद्धू पाजी निशु भाई की पिक लगेगी, और इन सभी का सिस्टम पूरा चेंज करवा देंगे हम। इसमें ओरिजिनल आरओपीएस लगवाएंगे, डुप्लीकेट लगा हुआ है ये यू पाइप, ये टूटने का डर रहता है जब स्टंट करते हैं। और एक दो दिन में पानीपत से अपने मॉन्स्टर टायर भी रखा जाएंगे, और 3-4 दिनों में अपने पास भी आ जाएंगे, तो वो भी जल्दी लगने वाले हैं। पहले आज का काम फिट करते हैं जॉन डियर का, इसे मॉडिफिकेशन करवाते हैं पूरा का पूरा टनाटन। म्यूजिक सिस्टम फिट करवाएंगे और आरओपीएस फिट करवाएंगे। वेट तो आगे कल फिट ही हो गया है, और चलते हैं अब सीधा शोरूम पर, गाड़ी भी रेडी है हमारी। लो भाई शोरूम पे जाने से पहले हमारा म्यूजिक सिस्टम दिखा देते हैं जो आया है अभी। पूरी गाड़ी आई हुई है म्यूजिक सिस्टम की, जिसमें हमारी पेटी रखी हुई है। कहाँ पे रखी है अपनी पेटी? आगे रखी है यार, शोरूम पे वेट कर रहे हैं यार सभी लोग। तो चलो यार चलते इन सामान को बाद में उतार लेंगे। भाई इतना सारा सामान रखा हुआ है, आरओपीएस रखे हुए पीछे बहुत सारे, ये तो आइटम मंगवा रहे पूरा का पूरा, देखो पूरा फुल लक्कू, पूरी की पूरी पिकअप भरी हुई है सामान से। ये अपना यहाँ पे सेफ्टी से ले गया है। म्यूजिक सिस्टम रखा हुआ अपना यहाँ पर है, ये रखा हुआ अपना म्यूजिक सिस्टम सेफ्टी से, और पूरा इनका आइटम भरा हुआ है पीछे, छोटे बड़े म्यूजिक सिस्टम है। महाराती भाई क्या हाल चाल? लो चलो नी रहा हूँ गाड़ी थोड़ी वो मैकेनिक आ रहा है अपना। हाँ, तो ये क्यों खुलवा दिया? इसमें यू पाइप आर ओ पी एस फिट कर, कुछ पैसे बचा रखे मैंने आर ओ पी एस के लगवाने के लिए। लाओ यार चले, 50-50 DNA 50 HP का। तो भाई चलते अपन तो शोरूम पर, और अपना म्यूजिक सिस्टम आ गया, आके लगवाएंगे थोड़ी देर बाद आएंगे तो लगवाएंगे। आर ओ पी एस लगने के बाद अपन म्यूजिक सिस्टम फिट करवाएंगे, अभी तो चलते सीधा। लो भाई सीधा आ गया हूँ सूरज के शोरूम पर, सूरज 855 रखा हुआ है यहीं पर। आज तो ले लोगे कि नहीं लोगे? हमारा ऐसा कोई दिक्कत नहीं, ले लेंगे कोई दिक्कत नहीं। 855 बिल्कुल दिलाओ यार, हमारा जॉन डियर ले लिया फिर देते हैं। आइए देखो मैं बोल देता हूँ, और फिर जो माइंड बैठ गया तुरंत उठा ले जाता हूँ। गलत बात है नहीं? गलत बात है गुरु जी, वो बिना बताए आ गए हो भाई। ये मतलब आपके बिना कहीं जाता नहीं हूँ मैं, इनके बिना कहीं जाता नहीं हूँ। भोपाल जा रहा हूँ गुरुजी, चल रहे हैं क्या? तो जा रहा है। चल रही है, चल। क्यों रे आदि मानव भाई, ये बिना नहाए धोया है आदि मानव। गुरुजी आ चुके हैं और इन्हीं का इंतजार हो रहा था, यही करेंगे बुक मुक सब काम यही करेंगे। भाई सूरज 855 लेने आ गए और बताया भी नहीं मुझे, बहुत पहले सभी को बता दिया है गुरुजी को। भाई पेमेंट तो केस में उठा ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बताना था आपको। भैया बता रहा है कम्प्लीट कर रहा है, वो वाला गोल्डन वाला देखा है? गोल्डन वाला ही लेंगे, बिना बताए आ गए यार। सब मंगल भैया ने अचानक लेकर आया, अचानक लेकर आया ये, बिना बताए आ गए हो। ये लोग आए थे दोनों, हमने मैंने वो करी और इन्होंने कहा नहीं अभी चलो, अभी चलो, इनके पैरा नहीं भेजा, बोलना था नहीं आपको मुझसे, तो मैसेज कर दिया था गुरुजी और आ गए। समझ आते हैं यार बंटी भैया, यार गलत बात है, कोपचम चलो आप भैया, इनको कोपचम लेके जाता हूँ फिर समझाता हूँ क्यों, गलत बात है नहीं आप बिना बताया आ गए हो। मेरे को कितना बुरा लगा, मैंने नहीं अन्न नहीं खाया, खाना नहीं खाया तुम्हारे लिए यार मालिक, बुरा लगा, रोना आ गया था मुझे बहुत ज्यादा। सभी पब्लिक से माफी चाहता हूँ, गुरुजी को थोड़ी बहुत तकलीफ हुई उसके लिए। सूरज 855 लेने आ गए और बताया भी नहीं उन्होंने, ये सामने रखा हुआ ये लेके जाएंगे आप सभी की पसंद। दिलों की धड़कन लेने आ गए, बताया भी नहीं उन्होंने, सामने ही रखा हुआ सूरज 855, और इसमें मॉन्स्टर टायर लगवाएंगे और इसमें भी मॉडिफिकेशन करवाएंगे इसको ले चल के, साथ में HMT भी लेंगे,
मालिक बिना बताए आ गए, बहुत बुरा लगा मुझे। वो गोल्ड वाला देख के आए, गोल्ड वाला कहाँ पे? और एक और गोल्डन कलर भी, वो भी देख के आते हैं जो एमएस धोनी के साइन है उनमें। सामने स्वराज का शोरूम, स्वराज लेंगे। सभी पब्लिक आ चुकी है, अपने गैंग के आदमी सभी पब्लिक है, और साथ में चलते हैं गोल्डन वाला कलर देखने। तो भाई आदि माना उन्होंने भी आज धोखा दे दिया मुझे, बिना बताए आ गया है घर से। इसको साथ लेकर जाता हूँ हमेशा, लेकिन इसने आज बहुत बड़ा धोखा दिया है मुझे। ये अंधविश्वासी आदमी है। तो यानी को रेट वेट को कर लो, रेट वेट फाइनल करते हैं अभी स्वराज 855 का, और उसके बाद कहाँ चलेंगे अपन? अपन न्यू आयलैंड वाले के पास चलेंगे, वहाँ पर देखेंगे, अगर उसके पास अच्छा मामला होगा तो उससे ले लेंगे, नहीं तो फिर इनसे लेंगे। इनसे तो ले लेंगे, दिलों की धड़कन, दिलों की धड़कन। भाई कौन सा ले, कंफ्यूजन हो रहा है कौन सा ले। रेट फाइनल करो, स्वराज 855 टॉप मॉडल गोल्डन में। गोल्डन आप उसको देख चुके हो, मैंने चला के देखा, अच्छा चला, साउंड भी अच्छा है। उस ट्रैक्टर को आज अपन बुकिंग करते हैं तो प्रोसेस 90% यही है कि मैं आपको कल ट्रैक्टर दे दूँ, लेकिन मैं फाइनली बुधवार को आपको ट्रैक्टर दे दूँगा। स्वराज 855 सुल्तान के बाद क्या नाम रखा जाए? बुलडोजर। तो भाई पहले दिलवाएंगे बंटी भैया को 855, इधर दिलवाएंगे किसको? न्यू ऑलैंड। मैं गिफ्ट करूंगा न्यू ऑलैंड इस आदि मानव को, लेकिन आज छोड़ के आ गया मुझे घर पे ही। कोबोटा चाहिए पुरुषोत्तम भाई को, न्यू ऑलैंड गिव अवे करेंगे अभी हम। भाई न्यू ऑलैंड दिलाऊंगा भी कुछ सब। स्वराज 855 गोल्डन कलर में लेंगे, और टायर 18 नंबर डाल के देंगे, काफी लोग डालोगे आप, डालवा देना। हम तो 26 नंबर लेंगे, लेकिन वो जो 18 नंबर लेके जाएंगे ना, वो टायर दूसरे ट्रैक्टर में डालेंगे। HMT ट्रैक्टर ले रहा है अभी हम, 16, 9, 28 के टायर आ रही है, और 18 के टायर तो मेरे पास है नहीं, मैं कंपनी में बात करूंगा। चारों टायर चाहिए, चारों टायर चाहिए। तो भाई अब दिलाते हैं इनको स्वराज 855 18 नंबर टायर लेंगे पीछे, और उसमें लगाएंगे 26 नंबर मॉन्स्टर टायर, और आगे लगाएंगे 18 नंबर। काम तगड़ा हो जाएगा, इनको ट्रैक्टर चलाना सिखाएंगे। के आप ही लगवाओगे कि हमको लगा के देना उसकी छतरी, इनको नहीं चाहिए आपको? हमको चाहिए आरओपीएस भी चाहिए, अपने ओरिजिनल चाहिए, क्योंकि आगे ट्रैक्टर तो कहेंगे हम। अच्छा वो कंपनी वाले स्वराज से ही चाहिए आप? जी जी जी, क्योंकि आगे से हम नहीं चाहते कि दोबारा कुछ। नहीं नहीं, बिल्कुल संभव ही नहीं है, भगवान ऐसा ना चाहे ना होगा। आप बंटी भैया बना जी से हम जुड़ रहे हैं, तो बिल्कुल ये तो आप दिमाग से हटा ही देना आप। ये मैं ले रहा हूँ, ये ले रहा है, बात एक ही, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो ये चाह रहा है आप ही ले रहे हैं। ये ना कि ट्रैक्टर हमारा दोनों का घर में एक ही घर में जाता है। अब देखते हैं कौन सा घोड़ा जीतेगा कौन सा नहीं जीतेगा, दोनों जुंडियर से टकराएंगे या न्यू आयलैंड से या फार्म टैक्स से, मेरा 855 आप टकरा के देखना, सब पे भारी पड़ेगा ये मेरा वादा है आपसे। बहुत अच्छी बात की, कर दो इसका पूरा कोटेशन बना दो आप, ठीक है। तो अब लेने वाले हमारे छुरछुरी वाले के, कोई छुरछुरी भाई, एक भी छुरछुरी नहीं है, छुरछुरी वाले के ट्रैक्टर ले रहे हैं। छुरछुरी वाला नहीं हो, और आदि मानव नहीं है, कोलगेट में आदि मानव, किसने धोखा दिया आज बहुत बड़ा, याद नहीं बता के नहीं आया आदि मानव। आप छोड़ के गए, और जैसे ही मैं मिल गया इनने बोला कि मेरे को कटिंग बनवाना है, मेरे आ गए घर अभी पहुंचे, आज कटिंग बनवा ली, तो और कहीं तो इंसान लग रहा है आपको, पूरा इंसान लग रहा है पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम इंसान, हां तो आदि मानव से इंसान तो आएगा ही धीरे धीरे, जनरल चेंज हो जाएगा। 855 का फाइनल रेट पता करते हैं अपन, न्यू आयलैंड पे चलेंगे अब, हम न्यू आयलैंड जाएंगे वहाँ का भी रेट लेंगे, हाँ। फिर फार्माटेक जाएंगे वहाँ का भी रेट लेंगे, हाँ। सब रेट लेंगे, ऐसा नहीं है कि हम ये इसका तो चतरा हेड पाके उसे न्यू आयलैंड पे लगवा लेंगे, अपने दिलों की धड़कन तैयार। हाँ काम चालू हो गया, कल डंपर आया था 20 फीट। तो भाई हम खेत पे पेवर्स लगवा रहे हैं टोचन के लिए, सिर्फ टोचन के लिए खेत में पेवर्स लगवा रहे हैं, जो चौके रहते शोरूम पे जो चौके रखते हैं पेवर्स, वही खेत में लगवा रहे हैं टोचन के लिए। 855 और जॉन डियर को बिठाएंगे अपन, देखते हैं कौन जीतता है। निकालो मालिक, हम भी बस बना ही रहा है आपका कोटेशन। तो भाई इधर हमारा कोटेशन बन रहा है स्वराज 855 का। तो भाई अभी रेट फाइनल हो रहा है कितने में पड़ेगा, और आप सभी से वादा किया था मैंने स्वराज 855 का, वो भी लेना है, और पहले आप सभी ने बोला था जॉन डियर लेने का, तो फिर मैंने जॉन डियर लिया, अब आप सभी बोल रहे थे स्वराज 855, तो स्वराज 855 ले रहा है इस बार। भाई सभी की पसंद, दिलों की धड़कन, स्वराज 855 फाइनली ये वाला लेने वाले अब हम, और ये वाला टॉप मॉडल लेंगे हम गोल्डन कलर में, टॉप मॉडल रहेगा, और आप सभी की सबसे ज़्यादा पसंद है स्वराज 855, वो भी पूरी करेंगे, और कौन सी पसंद है वो भी पूरी करेंगे, बता दीजिए बस कमेंट में। आपको प्यारे प्यारे ट्रैक्टर रखे हुए हैं यहाँ पर, एक से बढ़ के ऊपर बैठ के देखते हैं। आए हाय क्या ट्रैक्टर है भाई, ट्रैक्टर एक नंबर लग रहा है लुकिंग भाई, शोरूम के बाहर सारे ट्रैक्टर रखे हुए स्वराज। कौन सा गे? वो दोनों टायर साथ में घूमते भाई, इसमें दोनों टायर साथ में घूमते, कोई सा गेयर आया हुआ है, ये कौन सा गेयर है, टॉप मॉडल है ये वाला ट्रैक्टर,
ये वाला का पता नहीं, ये तो लिफ्ट लगता है शायद, लिफ्ट का उधर है। लेकिन यहाँ कोई सा गियर, अभी नए नए फीचर आ रहे ट्रैक्टरों में, इतना पता नहीं चल रहा है कौन सा क्या गियर है। जॉन डियर का ही अब समझ आने लगा है, पुराने जॉन डियर चलाए थे मैंने उसमें अलग है, स्वराज में भी अलग था पहले, इसमें साइड में गियर दे दिया, अब स्वराज में भी, पहले बीच में रहता था गियर। ये टॉप मॉडल है, इस वजह से थोड़ा थोड़ा चेंजेस होता रहता है हर बार, स्वराज उनमें भी, सभी ट्रैक्टर में होता है चेंजेस। तो लुकिंग वाइज काफी कूल लग रहा है, तगड़ा लग रहा है लुकिंग वाइज ट्रैक्टर, बहुत प्यारा ट्रैक्टर है। तो भाई ये रखा है 735 स्वराज, 735 पुराना मॉडल है, गियर भी आ गए इसमें, और इसमें भी गियर बगल में हो गए क्योंकि ये आ गया है एक और मॉडल 744, ये दूसरा मॉडल है, इस वजह से इसमें बीच में गियर नहीं दिया, साइड में गियर दे दिया इसका। और ये वाला 5 स्टार है, ये नॉर्मल स्टार है, इसमें कुछ भी स्टार नहीं 735 में। तो भाई ये ट्रैक्टर लग रहा है लुकिंग वाइज तगड़ा, और ये साइलेंसर कितना मॉन्स्टर साइलेंसर लग रहा है यार, इसमें जाली लग रही है पूरी की पूरी ऊपर से नीचे तक, इसमें जाली से पेक है। और भाई साथ में अभी न्यू ओलैंड के शोरूम पर भी लेके चलूंगा मैं आप सभी को, वो भी देखेंगे 3630, वो भी बहुत प्यारा ट्रैक्टर है, पावरफुल ट्रैक्टर है, और अपना दिलों की धड़कन ये है भाई। आप कुछ भी मत बोलना, फालतू कमेंट मत करना, बहुत सारे कमेंट करते हैं यार के स्वराज स्वराज, और आप सभी के लिए मैंने जॉन डियर लिया था, सबसे ज्यादा कमेंट आए थे जॉन डियर के, इसलिए मैंने जॉन डियर लिया, अब आप सभी कह रहे हैं इसलिए मैं स्वराज ले रहा हूँ, फिर बाद में मत कहना इतने पैसे नहीं बच रहे कि हर बार अपन न्यू ट्रैक्टर ले ले, बस ये दोनों ही लेंगे, स्वराज 855 और एक जॉन डियर और एक और HMT ले लेंगे, बस ये तीन ट्रैक्टर रखेंगे, एक बहादुर घोड़ा अपने पास पहले ही सही, एक बूढ़ा घोड़ा, मतलब टोटल 4-5 ट्रैक्टर हो जाएंगे। आज फाइनल करने वाले थे लेकिन पंचक लगेगा, अभी घर से कॉल आ गया, फिर अभी अभी होल्ड करेंगे, दो पांच दिन ट्रैक्टर मंगवा देंगे, अभी ट्रैक्टर का बोल दिया, दो दिन बाद आज करेंगे वो, कल वो दे देंगे ट्रैक्टर। बुकिंग में कितने पैसे जमा करने पड़ेंगे? बुकिंग में तो अभी मैं हमने इसी बात ही नहीं करी, मैंने कहा पंचक लग रहा है तो बात ही करना बेकार है। पंचक कितने दिन में खत्म होते हैं? आज 2 दिन बाद खत्म हो जाएंगे। अच्छा अभी अभी लग गए 2-3 दिन से। तो भाई अभी पंचक चल रहा है, इस वजह से ट्रैक्टर नहीं ले रहे हैं हम 855, नहीं तो कल ही लेके चले जाते, अभी ऑर्डर पे बुलवाना पड़ेगा नॉर्मल। स्वराज 855 तो रखे हुए हैं यहाँ पर ये वाले, लेकिन अपन को लेना है टॉप मॉडल गोल्डन कलर में, यहाँ पर गोल्डन कलर रहेगा उसका, और यहाँ भी गोल्डन रहेगा। कौन सा? ये साइलेंसर भी उसका गोल्डन रहेगा, हाँ, और बैटरी पे गोल्डन कलर रहेगा। तो प्लान ये बना है कि इनको 855 दिला दे और गोल्डन कलर में टॉप मॉडल दिलाएंगे, उसको मॉडिफिकेशन करवाएंगे, मॉन्स्टर टायर मंगवाएंगे और सारा सिस्टम फाड़ मारेंगे, सब सिस्टम गुरुजी करवाएंगे। मैं तो केवल ट्रैक्टर ले रहा हूँ। चलाना कब सीखोगे आप? जब आइए सिखा देंगे गुरु जी, डायरेक्ट डिस्टेंस करेंगे गुरु जी, यूट्यूब चलाने सिखा देंगे, इंस्टाग्राम चलाने से सिखा दे, ट्रैक्टर चलाना सिखाएंगे, कैसी बात कर दी। तो भाई ट्रैक्टर तो इनके छुरछुरी चलवाएंगे, इनसे नहीं चलवाएंगे चुरचुरी वाला। तो भाई कर दिया है फाइनल, स्वराज 855 ये उठा के लेके चलेंगे इसको। और अब कमेंट करो कौन सी चीज़ चाहिए आपको, क्या चाहिए, आईफोन गिफ्ट में चाहिए, किस किस को चाहिए, कमेंट मार मारो, बहुत ज़्यादा कमेंट मार दो, 1-3-4 कमेंट मार दो, और साथ में ही सब्सक्राइब भी कर दो 855 के लिए और आईफोन के लिए। तो भाई इधर ही बता दो कुछ, दोनों एक तो आदि माना हूँ और एक चुरचुरी वाले, क्या हो गया? तो पंचक की वजह से अभी ये बहुत भारी ब्लॉगर बन रहा भाई, दांत दिखा के कोलगेट नहीं करता, कभी कोलगेट नहीं करता, दिखा दांत दिखा भाई, कितने छेद है इसके दांत में यार, कोई डॉक्टर। हाँ भाई ये सिस्टम फाड़ मारेंगे। लो भाई इनके साथ वीडियो ले लेते हैं अपन, फोटो ले लिया। तो सर कैसा लग रहा है आपको स्वराज 855 आ रहा है? मेरा दिल जोरों से धड़क रहा है। दोनों ले लूं? दोनों ले लूं, ये जे और वीरू। स्वराज 855 की कमी थी वो पूरी कर रहा है अब, और जल्दी स्वराज 855 आएंगे 15 स्पीड से इसमें भाई, खुशी का आनंद हाय हाय। आप सभी की भी खुशी में जान सकता हूँ कितनी खुशी से, जल्दी जल्दी एक लाइक मार दो फटाफट वीडियो को, 4-5 कमेंट मार दो, और मेरे को फॉलो कर लो, और इनको फॉलो कर लो नरुका फार्मिंग ब्लॉग्स के नाम से। देखो भाई सब क्या हाल चाल, गणगौर आनंद तो गलो खूब। भाई 18 नंबर टायर लेंगे, इसमें 16 के टायर है अभी, ये देखो 16 का टायर, 16 क्या करेंगे अपन, बड़े वाले लगवाएंगे तो 18 लगवाएंगे ना, तो उससे 18 काम आ जाएंगे अपने, क्या काम आ जाएंगे 18, मुझे पता है, क्योंकि बिना पैरों से कैसे लेके जाएंगे यहाँ से शोरूम से, टायर आने में बहुत टाइम लगता है, मॉन्स्टर टायर मैंने करीबन 1 महीने पहले ही पैसे जमा कर रखे मॉन्स्टर टायर के, अभी तक नहीं आ पाया मेरे पास, इसलिए बोलता हूँ थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ी सबर कर लिया करो आप सभी भी, और आप सभी को सबर नहीं हो रही थी इसलिए मैंने 16855 भी ले लिया, आप सभी के बिल्कुल भी सबर नहीं हो रही थी। और अब जा रहा हूँ मैं अपने जॉन डियर के शोरूम पर, क्योंकि रात भर से वहीं पे ट्रैक्टर रखा हुआ है अपना, UPI फिट करवाएंगे, उसके बाद म्यूजिक सिस्टम फिट करवाएंगे अपन, चले। तो गुरु भैया मैं जाता हूँ। कहाँ जा रहा हूँ? तो मैं, मुझे भोपाल जाना है अचानक, तो एक तबीयत खराब है गुड़िया की। तो भाई हमारे बंटी बनत जा रहा है, मन नहीं लग रहा मेरा बिल्कुल, रोना आता है इनके बिना, दिलों की धड़का नहीं है हमारी, तो इनको जाने देते हैं अब, और अपन भी चलते हैं जॉन डियर के शोरूम पर।
न्यू ओलैंड के शोरूम पे भी जाना था अभी हमें, क्योंकि बंटी बना को वो भी दिखाना था, लेकिन अभी ये लेट हो रहा है, भोपाल जा रहे हैं, कोई इनके परिवार में तबीयत खराब होगी किसी को, तो इसलिए इनको जाने देते हैं। कल चलेंगे न्यू ओलैंड शोरूम पे। कब चलेंगे अपन? कल चलेंगे भाई न्यू ओलैंड के शोरूम पर, तगड़ा वाला सिस्टम जमाएंगे। 16,855 का तो वही गया इनका फाइनल, लेकिन अभी देख रहे हैं हम न्यू ओलैंड में, देखते वो पावरफुल ट्रैक्टर है क्यों मालूम है, वो भी बहुत पावरफुल है। चलो भाई, तो भाई आ गए सीधा जोंडियर के शोरूम पर। यहीं पर जोंडियर बाहर निकाल दिया आज फिर से, और अपना शायद जोंडियर का रखा है, जोंडियर का रखा अपना अंदर रखा हुआ है, अंदर रखा हुआ है, अंदर तो ही नहीं भाई। अपना जोंडियर कहाँ पे गया? कल रात को यहाँ पे छोड़ के गए थे, यहाँ पे नहीं रखा है, किधर है भाई? अंदर रखा हुआ उधर है ना। आरओपीएस फिट करवाएंगे आज, और साथ में कुछ मॉडिफिकेशन है वो भी करवाएंगे। सीधा जोंडियर के शोरूम पर आ गए थे हम। तो भाई सामने रखा हुआ है, कहाँ रखा है वो भाई? सामने रखा हुआ, देखो कितनी दूर रखा हुआ है, हमें तो पता ही नहीं। सामने रखा हुआ अपना सुल्तान, लगा दिया आरओपीएस? आरओपीएस कहाँ लगा दिया अभी? कब लगाओगे? हमारा बम्पर लगवा दिया ना, बम्पर तो कल ही लग गया था। आरओपीएस कब लगेगा? देखते हैं क्या बोलते हैं उसे। मैकेनिक कहाँ है? उधर ही बैठे हैं। चलो भाई आरओपीएस लगवाते हैं आज। हाँ सर, आरओपीएस लगवा दो यार प्लीज़ यार मालिक, लगवा दो यार। हम म्यूजिक सिस्टम फिट करवा लेंगे यार, धुलवा दिया क्या बात है, बस आरओपीएस और लग जाए काम तमाम। भैया हमारे तगड़े वाले मैकेनिक है, कुछ भी कर सकते हैं, इम्पॉसिबल काम। आज इनसे करवाएंगे काम अपना आरओपीएस लगवाने का। कल ये थोड़ा घर पे जल्दी चले गए थे, इस वजह से नहीं करवा पाए। सर्विसिंग चल रही इधर है ना, तो इधर सर्विसिंग का काम चलता है शोरूम के बगल में ही, शोरूम के अंदर। अपने वाले में कब से काम चलने लगेगा? इधर लगेगा, उधर ही, उधर चलते हैं यार, क्योंकि उस साइड थोड़ी स्पेस है। तो भाई चलते हैं अब सीधा अपन अपने सुल्तान में, आरओपीएस फिट करवाएंगे। सामने रखा हुआ है सुल्तान, और इधर सर्विसिंग का काम चल रहा है, इस वजह से स्पेस कम है, और उधर की साइड चलेंगे, वहीं पे रखवाएंगे कल की जगह पर ही। और सामने दिलों की धड़कन रखा हुआ है एचएमपी, इसे लेके चलेंगे, इसमें तगड़ा वाला मॉडिफिकेशन करवाएंगे एचएमपी में, पूरी की पूरी गेंग आई है साथ में। तो भाई आ चुका है अपना सुल्तान, नहा धोकर रेडी है, और तगड़ा धुलवा दिया इसको, आगे वेट भी फिट है, और लुकिंग वाइज तो इतना प्यारा लग रहा है, देखते ही इसको नज़र लग जाए कोई अगर ज़ोर से देख ले, इतना प्यारा ट्रैक्टर लग रहा है अपना सुल्तान, आगे से वेट फिटे अब लग रहा है लुकिंग वाइज। ट्रैक्टर देखो लाइटें चल गई, अब इसमें आरओपीएस फिट करवाएंगे, मोस्टर टायर लगवाएंगे, काम तगड़ा हो जाएगा। क्या लग रहा है भाई? रात भर हो गई थी हमें फिट करवाने में, समझ नहीं आ रहा था कैसे फिट होगा, फिर रात में जाकर फिट हुआ ये सही से। कलर भी करवाए थे इसके ऊपर थोड़ा सा हमने, जिससे कलर सेम हो जाए। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत आदि मानव। रेस देना थोड़ी भाई, साउंड देखो, साउंड सुनो, साउंड रेस खुलवा दिए, साउंड सुनो। अगर यू कहीं का टकरा जान भाई साहब, तो सारो मसालो रात का बाहर हट दे, तो कहीं को है नहीं समझ के पंगा लीजिए, अब एनी शहर में बम बम। अभी तो और वेट फिट करवाएंगे आगे इसमें, लेकिन जब वेट फिट होगा तब आगे तो भी सकते, स्टैंड नहीं कर सकते जब आगे वेट रहेगा तो, क्योंकि सारे टायर फूट जाएंगे रिंगिंग। अब कमेंट में कुछ लोग जलेंगे और कहेंगे आजा हमसे ले ले पंगा, तो आजा ना, कम थोड़ी है भाई। लोग आधी क्लिप चलाते हैं, दमो तो पूरी क्लिप चलाओ, तब जाके बताओ लोगों को, आधी आधी एक तरफ दो ट्रैक्टर करेंगे और अपना एक सुल्तान एक तरफ रहेगा, और फिर आधी क्लिप काट के चलाएंगे और एक ट्रैक्टर दिखाएंगे ही नहीं। दमो तो पूरी क्लिप दिखाओ लोगों को, क्यों भ्रम में डालते हो फालतू भाई। हाँ कौन सा कैसा सबसे जो स्टैंडर्ड है इसमें बम्पर लगा हुआ है, मेन चीज है, और जो एक्सेसरीज रहेगी पूरी कंपनी की रहेगी। हाँ ओरिजिनल चीजें लगवाई ना, चीजें लगेगी, क्योंकि ओरिजिनल चीजें इसलिए लगवा रहे हैं क्योंकि ये बस शौक से ही लिया है स्टैंड के लिए और ऐसा टोचन के लिए। पर इससे बेस्ट ट्रैक्टर का भी मिलेगा भी नहीं, पूरे राजगढ़ जिले में ट्रैक्टर सबसे बेस्ट ट्रैक्टर रहेगा। पहले दिन इससे टोचन तो बिड़ा दिया घर पे ले जाके, मतलब देखो टायर वायर देखो कैसे घसा गए, 26 नंबर टायर आ रहे हैं वो इसमें लग जाए, वो इसमें फिट करवाएंगे, और शानदार लगेगा। अरे भाई राजा बना देंगे इसको, राजा हमारा भी राजा ही भाई, वाकई में राजा है अपना सुल्तान। आरओपीएस के लिए ये सब टंकी खोलना पड़ेगा, इधर ये सामने बगल में ही बोनट खोलना पड़ेगा, ये वाला बोनट, तब जाके फिट होगा। कैसा लग रहा है सर? बहुत तगड़ा लग रहा है, मजा आ गया एकदम। तो भाई काम चालू हो गया आरओपीएस लगवाने का, और पहले टंकी खुलेगी नहीं भैया, पहले ये वाली डीजल टैंक खुलेगा, उसके बाद आरओपीएस फिट होगा। आरओपीएस भी आ चुका है अपना ओरिजिनल, जो बगल में रखा हुआ है, 1.5 क्विंटल का वजन है इसमें। अभी से किधर उठा के देख कितना वेट है इसमें, उठा के देख कमर टूटेगी, उठा के देख, ओए गिर जाएगा। तो भाई अपने सुल्तान ने जो डीजल टैंक खोल लिया है, पीछे से पूरा का पूरा खाली हो गया ट्रैक्टर, ये देखो आप,
और डीजल टैंक बगल में रखा हुआ है और अपना आरओपीएस आ गया, उसके साथ मॉडिफिकेशन का सारा सामान आ गया है और मंत्री बत्ती आ गई है, मंत्री वाली कौन सी है, किसान वाली। तो भाई हमारी किसान बत्ती आ गई है, क्या तगड़ी लग रही है और साथ ही साथ इसके बहुत सारे सामान आए हुए हैं। तो भाई अपना सामान और आ रहा है आरओपीएस फिट करने का, इस जगह पर अपना आरओपीएस फिट होगा और इस जगह पर, उसके बाद डीजल टैंक लगेगा यहाँ पर, मतलब काम अपना तगड़ा हो जाएगा फुल फाल। कैसे आगे ट्रैक्टर को तोको पछू तो कुछ भी नहीं होगा फिर आरओपीएस से, इंसान अंदर को कुछ भी नहीं होगा, तगड़ा जम गया अपना सुल्तान। तो भाई हमारा आदि मानव आ चुका है, क्या हाल चाल घर पर, क्यों नाश्ता पानी करने, क्यों खाना नहीं खाया, कुछ भी नहीं करा, इनको नाश्ता पानी करवा खिलाओ जाओ। भाई मेरा कथन ये है कि पुरुषोत्तम भाई को एक शानदार परफ्यूम दिलवाना चाहिए, बदबू मारता है आदि मानव स्मार्ट लग रहा है, कितनी करता हूँ पसीना आता है। एक काम कर नाश्ता करके आ, अपना काम करवाते, काम चालू करवा यार, ऐसे फालतू मत घूम, अच्छा नहीं लगता बाहुबली होते हुए। लो ये हालचाल गणगौर आनंद। तो भाई अपनी दिलों की धड़कन HMT कलर से नाम लिखा हुआ है, HMT सुंदर अति सुंदर, क्या साइलेंसर इसका, कितना टाइम और लगेगा सर, कहाँ गए अपने मैकेनिक, खाना खाने गए, खाना खाने। तो भाई अभी काम के बीच में मैकेनिक भैया गया खाना खाने के लिए, इतने देर हम भी बैठ जाते हैं, बहुत ज्यादा थक गए सुबह से आए थे और अभी तो कुछ भी काम नहीं हुआ, डीजल की टंकी को ही खोला है अभी, बहुत सारा काम बाकी है, फिर म्यूजिक सिस्टम फिट करवाएंगे। ये क्या सिस्टम है, दिस इज बंदूक, बंदूक निशाने पर लगाने वाली। तो भाई टाइम आ चुका है आरओपीएस लगवाने का, डीजल की टंकी खोल दी थी पहले ही, अब मैकेनिक भैया आए हैं, सुबह से इंतजार करवा रहे थे और अब सिस्टम बैठेगा इसमें, समझ नहीं आ रहा कैसे लगेगा क्योंकि पहले शोरूम पे लगवाए नहीं यहाँ पर किसी ने ओरिजिनल आरओपीएस, और वेट भी नहीं लगवाया था इसलिए रात को भी हम काफ़ी लेट हो गए थे। तो भाई आरओपीएस फिट हो रहा है, वजन इतना ज़्यादा है, 3-4 लोग उठा के लगा रहे हैं तब जाके उठ रहा है। तो भाई खोलने लग रहे हैं सारे नट क्योंकि टायर को हटाएंगे इसमें से, तब जाके आरओपीएस फिट होगा और पूरे बोनट को निकाल देंगे भैया लोग, पहले बोल्ट निकलेंगे और पानी और भरा ऊपर से तो थोड़ी दिक्कतें आएगी है ना वजन की वजह से, वजन देता है वजन है टायरों में काफी ज्यादा, सारे नट खुलेंगे टायर के, टायर ही अलग हो जाएगा, ट्रैक्टर में से नीचे जैक लगा दिया है हमने और जब हम टायर चेंज करेंगे, टायर भी आने वाले आज रखा जाएंगे अपने टायर, तो 4-5 दिनों में अपने पास टायर आ जाएंगे। अभी ये वाला आरओपीएस लगेगा तो ये वाले दोनों टायर साइड हो जाएंगे, पूरा ट्रैक्टर खुल जाएगा। देखो भाई अकेली जेक उठा के रखेगा पूरे ट्रैक्टर का पीछे का वजन, और टायर अलग करके बोनट अलग करके आरओपीएस फिट करवाएंगे अपन, क्यों हम टायर लगाएंगे चेंज करेंगे उस टाइम पे खोलना पड़ेगा सबको, नहीं आप टायर लगाओगे जब आपको टायर ही खोलना पड़ेंगे बस, नहीं नहीं ये भी खुलेगा ना क्योंकि एक्सल रखाएगा ऊपर होगा ना, टायर तो बहुत ज्यादा बड़े इससे 26 नंबर, इससे डबल टायर है सारा, ये भी सिस्टम खुलेगा भाई, पूरा पूरा सिस्टम खोलना पड़ेगा उस दिन, 4-5 दिन लग जाएंगे फिर तो, मुझे ऐसा लगता है शोरूम पे 2-3 दिन लग रहा है तो हम खुद करेंगे तो टाइम लग जाएगा खुद से, टायर तो बाहर आ जाएगा पूरा, एक्सल पे लगेगी और एक्सल की हाइट तो वही है सेम, एक्सल भी सेम रहेगा, जैसे कि ये जो टायर की हाइट बढ़ेगी उसका हाँ। ये होगा कि आपको जो जेग है वो ट्रैक्टर है वो ऊंचा उठाना पड़ेगा हाँ। उसके बाद ऑटोमेटिक ये टायर लग जाएगा आपको, ये खोलने नहीं इसमें अड़ेगा ना, फिर क्यों अड़ेगा टायर नहीं अड़ेगा क्योंकि जैसे ये डिक्स है हाँ। ये एक्सल ये भी चेंज होगा, डिक्स चेंज होगी ना तो वो जो डिक्स का घेरा जो रहेगा वो इसी साइज का रहेगा, वो तो बैठेगा एक्सल में, तो जब आप जेग उठाओगे और जब उसकी हाइट पे लेके आओगे तो ये ऑटोमेटिक इसमें बैठ जाएगा, आपको फेंडर बोलने की जरूरत, थोड़ा थोड़ा कम समझ आ रहा है अभी तो, धीरे धीरे आ जाएगा ना, फेंडर बोलने की जरूरत नहीं, ऐसा पता था मुझे, जैसे कि ये बोनट है, ये बोनट भी ऊपर तुकेगा शायद, नहीं हाँ ट्रैक्टर तो उठेगा, ये उठेगा ना 1 इंच तारों पे से उठेगा ट्रैक्टर, ये फेंडर हाँ बोनट बोनट हाँ हाँ आरओपीएस से उठ जाएंगे फिर ज्यादा दिक्कतें नहीं आएगी 26 नंबर टायर में भी, ज्यादा हो जाएगी ना हाँ ऊपर ट्रैक्टर हेवी लगेगा, और फिर टायर लगने के बाद तो ट्रैक्टर मॉन्स्टर लगेगा बहुत ज्यादा, मॉन्स्टर बहुत भारी, अभी देखना कल ही देखना मॉन्स्टर टायर के बिना ही म्यूजिक सिस्टम लग जाएगा फिर कितना तगड़ा ट्रैक्टर हो जाएगा पूरा पूरा। लो भाई कस दिया नीचे से जेक तगड़ा वाला, पूरे ट्रैक्टर का वजन जेक पर आ गया है और टायर ऊपर तुक गए पूरे के पूरे, फ्री हो गए टायर गियर में, ट्रैक्टर नोटल कर दो पूरा का पूरा ट्रैक्टर फ्री हो गया, टायर ऊपर तुक गए जमीन से, ये देखो अब बोल्ट भी खुल गए, सारे नट खोल दिए ट्रैक्टर के, टायर के सारे नट खोल दिए, अब ये टायर ही अलग कर देंगे हम और एक्सल कसाएगा यहाँ पर, सिस्टम कसाएगा पूरा का पूरा और ये बोनट भी ऊपर तुक जाएगा जिससे। तो भाई टायर को भी बाहर निकाल दिया पूरा का पूरा ट्रैक्टर से ही, इसमें लगेंगे मॉन्स्टर टायर लेकिन पहले लगेगा आरओपीएस, वजन बहुत ज़्यादा ही है टायर में क्योंकि 2-2.5 क्विंटल, कितना क्विंटल पानी होगा यार इस टायर में,
गया खत्म। ओ भाई टायर पता नहीं कहाँ से कटा यार ये इतना ज्यादा। यार ये उस दिन अपन गए थे ना ट्रायल निकालने, जब ही हुआ यार ये सारा का सारा सिस्टम। मुरम पता नहीं यार भाई जगह जगह टायर कट गए यार, क्या बताएं। एक तरफ से पूरा ट्रैक्टर को खाली कर दिया हमने टायर निकाल के, क्योंकि ट्रैक्टर के पैर पूरे टायर ही होते हैं, उनसे ही जान रहती है ट्रैक्टरों में। तो एक तरफ से पूरा ट्रैक्टर खाली कर दिया भाई। दूसरी तरफ से भी हमने टायर को खोल दिया, दोनों तरफ से टायर को हमने एक साइड कर दिया ट्रैक्टर के। पहली बार लगा रहे अपन आरओपीसी वाला सिस्टम, खेती के लिए लिया अपने इधर लोकल में यार, अपन ही ले रहे सिर्फ शॉप से। दोनों तरफ से ट्रैक्टर को फ्री कर दिया, कुछ भी नहीं बचा अब ट्रैक्टर में। ट्रैक्टर की जान टायर ही रहते पूरे, हाँ कुछ भी नहीं बचा है, खाली लग रहा है ट्रैक्टर अब बिल्कुल। और अब भी निकलेंगे इनके बोनट टायर नहीं आ गए ना, ये मोन्स्टर टायर है ये, अपने टायर नहीं पता है तुझे, निकाल दिया इसे, मोन्स्टर टायर लगवाएंगे अब इन्हें निकाल के, रखे हुए शोरूम अंदर। तो भाई मोन्स्टर टायर आ चुके हैं, तो देखो आगे से भी गुल्ला लगा दिया आगे तोपने के लिए सपोर्ट, ताकि ये लगा नहीं एक तरफ नहीं भगेगा ट्रैक्टर भाई, इसको लगाने से एक तरफ ट्रैक्टर नहीं भगता है। आगे वेट लगा हुआ है, दोनों तरफ से ट्रैक्टर को खोल दिया है, आप पूरे बोनट खुलेंगे इसके, बोनट का काम भी चालू कर दिया खुलने। भाई फाइनली लंबे इंतजार के बाद हमारे आ गए छोटछोरी वाले, इनके लिए ही हमने स्वराज 855 बुक करा है। जॉन डियर शोरूम पर बोल रहे हैं हम, बुरा लग जाएगा जॉन डियर वालों को। हाँ सर जॉन डियर वालों को बुरा लग जाए तो क्या करेंगे, सिस्टम फाड़ देंगे। एक ले लिया ना जॉन डियर वाले, बॉडी आइटम है और फट जाएगा, लेकिन किसी का कुछ नहीं होगा, सब फट जाएगा। मॉन्स्टर टायर लगवा रहे हैं अभी अपन। तो भाई सभी लोग सुबह से आए थे शोरूम पर, तो इन सभी लोगों को लेके जा रहा हूँ कुछ खिलाने पिलाने, भूख भी काफी तेज लग रही है, मुझे भी लग रही है, तो साथ में कुछ खा के पी के आएंगे। जब से सुबह से शोरूम पे थे और टायर वायर निकाल दिए अपने जॉन डियर के दोनों तरफ के, और उनमें मॉन्स्टर टायर लगवाएंगे अपन जल्दी, 4-5 दिनों में टायर भी आ जाएंगे अपने जॉन डियर के लिए। आज तो उसमें यू पाइप लगवाने के लिए टायर निकाले हमने, क्योंकि यू पाइप कंपनी का, इस वजह से ओरिजिनल यू पाइप लगेगा। तो भाई इतना ढीला काम हो रहा है शोरूम पर, क्या ही बताऊं, मैकेनिक ने बोला कि पहली बार इतना काम करवा रहा है कोई इधर शोरूम पर। सभी को खेती के लिए जरूरत रहता है ट्रैक्टर, लेकिन हम मॉडिफिकेशन के लिए ट्रैक्टर ले रहे हैं, और शौक से ले रहे थे ट्रैक्टर, क्योंकि हमारे पास ये ऑलरेडी 2 ट्रैक्टर हो रहे खेती के लिए, बस इसको अच्छे से मॉडिफाई करवा के सजाएंगे, इसको ऑटोचन के लिए यूज करेंगे, इसलिए इतने ताम झाम करवा रहे हैं, और इसीलिए यू पाइप लगवा रहे हैं ताकि स्टैंड विस्टैंड कर सकते हैं थोड़ा बहुत, ताकि खतरा भी कम रहेगा, ओरिजिनल यू पाइप रहेगा, इसलिए इतने दिनों से रुके हुए हैं, नहीं तो पहले से मंगवा के हम कभी का लगवा लेते यू पाइप। लो भाई सभी भाइयों के लिए जूस बनवा लिया है, पी लिया इतनी जल्दी गलती होगी भाई, इतनी जल्दी जूस पी लिया इन्होंने तो क्या बताऊं यार, कहीं कर रहा यार भाई साहब यार, यहाँ जैसे जोश आ रही थी भाई, इन सभी के लिए जूस मंगवाया, मेरे लिए बना ही नहीं अभी तक, इससे पहले पी लिया इन्होंने, काम ही तमाम कर दिया है। काय का पिया था मैंने, केले का, केले का। तो आपने? मैंने बनाना का, बनाना का। आपने? केले का। सारा डस्टबिन भर दिया इन्होंने तो जूस पी पी के। अरे इसके ऊपर बर्फ मत डालो, बोले अरे वो गला बैठ जाएगा, काइस बोलेंगे। तो भाई मेरे लिए बन गया है जूस, सेबल का जूस है। तो भाई चलते हैं फिर से अपने शोरूम पर, क्योंकि आरोपी लग चुका होगा अब तक, तो काफी टाइम होगा यार, काफी टाइम होगा अब तो, लग गया होगा यार, चलते हैं जल्दी जल्दी, वहाँ पर ट्रैक्टर हमारा इंतजार कर रहा होगा, ट्रैक्टर वाला ट्रैक्टर हमारा इंतजार कर रहा होगा, ट्रैक्टर हमारा इंतजार कर रहा होगा, क्योंकि म्यूजिक सिस्टम भी फिट करवाना है जिसकी। तो भाई सबसे बड़ी समस्या हो रही है आरोपी लगवाने की, ये नट फिट नहीं बैठ रहे हैं, ये वाले उधर के दिखाता हूँ मैं आपको, ये वाला आरोपी, ये वाले नट है नहीं, ये वाले फिट नहीं बैठ रहे, आगे पीछे हैं, वो कटेगा फिर तो फिर सपोर्ट कमजोर हो जाएगा, कटवा के नहीं फिर, ये बोल रहा है ये काटने का, ये एरिया ये काट देंगे फिर जान नहीं रहेगी। हाँ ये वाला नट फिट नहीं बैठ रहा आरओपीएस में, जिस वजह सबसे बड़ी समस्या भी लगवाने की, आरओपीएस तो बगल में रखा हुआ है, इसे पूरा खोद लिया है, और ये नट फिट नहीं बैठ रहा है, पूरा बोनट चेंज होंगे, दोनों बोनट चेंज होंगे उसके बाद लगेगा, क्यों क्या हो रहा है, नहीं लगेगा तो बोनट ही चेंज होंगे, तो भाई पूरे बोनट ही चेंज होंगे उसके बाद ही ये लगेगा, दूसरा बोनट आएगा, ये वाला बोनट चेंज हो जाएगा, उसके बाद आरओपीएस फिट होगा। कल से ये समस्या हो रही, जिस वजह से नहीं लगा पाया अभी तक, और नट भी ले आया, सब ले आया, लेकिन फिट नहीं बैठ पा रहा है मामला। तो
इससे अपने क्या दिक्कत है? कोई भी दिक्कत नहीं है, ये यहाँ से यहाँ बेल्ट हो रही है। अब इसको क्या है कि अपने को इस साइज में यहाँ से यूँ उड़ाना पड़ेगी, ऐसे तो वो क्या है कि जो यहाँ पे जितना इसमें अर्डिंग लगती थी ये पीछे हो जाएगी, इसको कटने के बाद ये होल आ जाएंगे, ये यहाँ से यूँ कटेगी, यूँ और यूँ चौकोर कटेगी। तो भाई अभी शाम की 6:30 बज चुकी है और चलते हैं अब सीधा घर पे, क्योंकि शाम हो चुकी है, सुबह से यहीं पे थे शोरूम पर और अभी भी काम नहीं हुआ पूरा। पूरे पीछे के टायर खुले पड़े हुए हैं और जो ये नट है ये फिट नहीं हो रहा है अपने आरओपी इसमें, ये ज़्यादा छोटे बड़े हो रहे हैं, इस वजह से पूरा काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। बचा हुआ काम जो कल कंपनी से पूछ के भैया करवाएंगे, तो चलते सीधा घर पर और बचे जो काम कल करवाएंगे।